संजू के ढाबे में आपका स्वागत है। इसी वक्त सब्सक्राइब बटन को दबाएं और हमारे साथ जुड़े, साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाकर हर पल की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रितु खन्ना संजू के ढाबे में फिर से आपका एक बार स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको गुजरात का स्ट्रीट फूड दाबेली बनाना सिखाऊंगी, जो मैं कुछ अपने ही अंदाज में बनाऊंगी। चलिए बनाते हैं। दाबेली बनाने के लिए हमें चाहिए उबला हुआ आलू, मैश किया हुआ, थोड़े से मूंगफली के दाने, कटा हुआ प्याज, कटा हुआ धनिया, गार्लिक चटनी, मक्खन, मीठी चटनी, अमचूर, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, नमक, अदरक बारीक कटी हुई, बारीक कटा हुआ लहसुन, हरी मिर्च, अनार के दाने, जीरो नंबर की भुजिया और बंद। हमने लिया एक पैन, इसमें एक बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है और हमारा ऑयल गरम हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटी हुई लहसुन, थोड़ी सी हरी मिर्च। लहसुन मेरा थोड़ा लाल हो गया, मैं इसमें डालूंगी प्याज। प्याज को बहुत ज्यादा लाल नहीं करना है, हल्का सा ही भूनना है। मैं थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक भी डालेंगे। मैं डालूंगी थोड़ी हल्दी, लाल मिर्च, नमक, अमचूर, थोड़ा गरम मसाला। ये सब डालने के बाद अच्छे से मिलाएंगे। इसमें ये मूंगफली के दाने डालेंगे थोड़े। अब इसमें मैं ये उबला हुआ आलू डालूंगी जो मैंने मैश करके रखा है हाथ से। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस, इनको अच्छे से भून लेंगे और थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये हमारा ठंडा होता है, इसमें हम थोड़ा सा अनार के दाने भी डाल देंगे। जब तक ये ठंडा होता है, हम बंद की तैयारी करते हैं। हमारा तवा गर्म हो रहा है, आलू हमारे ठंडे हो रहे हैं, तब तक हमने एक बंद लिया और उसको बीच से काट लिया है। इसके एक साइड हम लहसुन की चटनी लगाएंगे और एक साइड हम मीठी चटनी लगाएंगे इमली की। अब हम इसमें अपना ये आलू का मसाला डालेंगे। तवे में मक्खन डाल के हम इसे अच्छे से दोनों तरफ से सेक लेंगे, थोड़ा क्रिस्पी कर लेंगे। देखिए बन हमारा बन गया है। अब ये दाबेली बन गई, इसको मैं ये जीरो नंबर की भुजिया पे निकालूंगी और इसके चारों तरफ मैं ये भुजिया लगाऊंगी जीरो नंबर की। बाकी दाबेली के साथ भी हम ऐसा ही कर लेंगे। ये देखिए बनकर तैयार है हमारी दाबेली। ये एक ऐसी डिश है जिसमें आपको खट्टा, मीठा, तीखा, क्रिस्पी, फ्रूटी हर टेस्ट मिल जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। वहाँ के लोग तो इसे दाबेली मसाले के साथ बनाते हैं, लेकिन मैंने इसे आम मसालों के साथ बनाया है क्योंकि दाबेली मसाला हर जगह नहीं मिलता। आप खा के देखिए, बहुत टेस्टी लगता है। कैसी लगी आपको दाबेली की ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स भी करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, फिर मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। बाय।